हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टुवर्ड सक्सेस में। और इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं लोको पायलट, जो कि अभी पेपर होने वाला है, 9 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, उसका एक प्रीवियस ईयर का पेपर है 2014 का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो 2018 का पेपर देने जा रहे हैं, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन का जो पेपर होने वाला है, 9 तारीख से स्टार्ट है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट था। इस बार इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और अब की बार 75 क्वेश्चंस हैं। तो पैटर्न तो डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन का आपको लेवल एक पता लग जाएगा इससे कि कैसा लेवल होता है क्वेश्चंस का। तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ऐसे ही हम एक बार देख लेते हैं, हिस्टेरेसिस और भंवर धाराएँ जो होती हैं वो किस में उत्पन्न होती है? ये होती हैं डायनामीटर मापयंत्र में, सबसे कम होती हैं। ठीक है, भारत में घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है? ये होती है 220 से 230। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ये 50 हर्ट्ज होती है। और निम्नलिखित में से किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? ये होती है सेकेंडरी बाइंडिंग, ये ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। और पावर ट्रांसफार्मर की आयरन कोर जो पटीत होती है, मतलब लेमिनेटेड किससे होती है? वो होती है भंवर धाराएं कम करने के लिए। ठीक है, इधर देखें, ट्रांसफार्मर में जो हिस्टेरेसिस हानियाँ कम की जा सकती हैं वो आयरन कोर पटलनों की मोटाई कम करके, और सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र वाहन वहन मोटर लगी होती है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 द्वारा फेज के में रहती है। और यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर होता है उसमें मध्यम आवृत्ति परिपथन में, ठीक है, एन किस्म के अर्धचालक में अल्प संख्या वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, और अर्धचालक में विशिष्ट चुंबकशीलता कितनी होती है? वो होती है धनात्मक। जीनर डायोड तब तक कार्य करेगा जब तक इसे एक निम्नलिखित चालन में रखा जाता है, यह है पश चालन। रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है? अंतरिक्ष। और क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था, ये किसी चालन सामग्री को गर्म करने पर उसकी चालकता कम हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि जो है आवृत्ति और आयाम द्वारा अभिलक्षित होती है। एलईडी का जो प्रकाश है वो डायोड गर्म होने के वजह से उत्सर्जित होता है। और सेतु दृष्टिकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनको कम चरम उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। 18CRO की क्षैतिज प्लेट पर निम्नलिखित लगाई जाती है ताकि सिग्नल तरंग रूप को देखा जा सके, वो है आरादंती तरंग। इधर 24 देख लेते हैं, अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी के रूप में कार्य करता है पैरवैद्युत, और चालक प्रतिरोध ये सारे हैं, आप इसको देख सकते हैं। संधारित्र की जो धारिता होती है, इन सभी पर जो इन्होंने क्वेश्चंस में दिए हुए हैं आप पढ़ सकते हैं, ये उपरोक्त सभी पर डिपेंड करती है। प्लेट के क्षेत्रफल के साथ साथ बढ़ती है, प्लेट के बीच की दूरी में कमी के साथ बढ़ती है, प्लेट को पृथक करने वाले माध्यम के पैरावैद्युत नियतांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो ये सभी पर डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस की कैपेसिटी और कैपेसिटर। ठीक है, प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिरी काटी जाती है प्लग पिनों और बेलनाकार सॉकेट टर्मिनलों के बीच स्प्रिंगदार संपर्क बनाने के लिए। ठीक है, इधर देख लेते हैं, जो बकमिस्टर फ्लोरेंस C60 में विद्यमान बलों की संख्या होती है 32। निम्नलिखित ऑक्साइड पर विचार कीजिए और इनकी क्षारीय प्रकृति का अवरोही क्रम लगाइए। तो ये इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, जिस क्रम में दिए हैं वो सही है। जब कोई पिंड किसी तल में किसी नियत आयाम के प्रति घूर्णन करता है तो इसका कोणीय संवेग निम्नलिखित दिशा के साथ निर्देशित होगा, घूर्णन अक्ष। अब देखिए 35 में जो आपको फिगर दिए हुए हैं, तो इनसे पूछ रहा है कि इनको अंकित आरोखों में प्रदर्शित तंत्र क्रम से निम्नलिखित निरूपित करते हैं। तो ये किसको निरूपित करते हैं? उदासीन, अस्थायी और स्थायी साम्यावस्था। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरण में होती है, तो ये किस में होती है? होती है न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। इधर देख लेते हैं, VIR वायरों में कोपर के चालक पर सदैव टीन की परत चढ़ाई जाती है ताकि कोपर के चालक पर सल्फर अंश आक्रमण को रोकने के लिए। ठीक है, और परिपथ योजक और रिले की तुलना में HRC फ्यूज के बेहतर संरक्षी युक्ति है क्योंकि उसमें प्रतिबल के विषय में। इधर देखते हैं, टीवी सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्धक में दोष हो तो इसका निम्नलिखित परिणाम होगा, पिक्चर नहीं बनेगी। और टीवी पिक्चरों में गति
का दिष्ट भ्रम निम्नलिखित से संबंधित है, तो यह है रेडियो मॉनिटरिंग सेट से। चलचित्र निम्नलिखित पिक्चरों को श्रेणी रूप में स्थित रखता है, ठीक है, मोटर परिपथ में लगी होती है, तो ये दोनों लगे होते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, दोनों लगे होते हैं। टीवी में जो धुंधली पिक्चर बनती है उसका क्या परिणाम है, ये एक आरएफ प्रवर्तक का परिणाम होता है। विमान निगरानी रडार अधिकांश मामलों में निम्नलिखित में ऑपरेट होता है, तो ये एक्स बॉन्ड में। हुक का नियम प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही लागू होगा। और एक किलोग्राम वाट निम्नलिखित में किसके तुल्य है, तो ये है वेट, सॉरी एक किलोग्राम वेट किसके तुल्य है, ये है 9.8 के। किसी पिंड में निहित कुल गति कहलाती है समय, ठीक है। इसे देखिए, ग्लिसरॉल जो अपने क्वथनांक पर विखंडित हो जाता है उसको निम्नलिखित द्वारा शुद्ध किया जाता है, सामान्य दाब पर आसवन द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाती है द्रव्यमान घनत्व। तो गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती हैं प्रस्तरणों के कारण। यथार्थ दाब निम्नलिखित में बराबर होता है, गैस दाब माइनस वायुमंडलीय दाब, ठीक है। किसी जल पर निगमन पृष्ठ परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है, तो वह विस्थापित द्रव का भार। और 46 नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, ये नियत विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। सुरक्षा वाल्व का क्या कार्य है, बॉयलर के भीतर भाप की दाब जब कार्यचलन दाब से अधिक हो जाए तो भाप को बाहर निकालना। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण स्थायी तौर पर रह जाती है क्या कहलाती है, संगठितता। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो विद्युत वाहक बल का है। निम्नलिखित को की कार्यप्रणाली में पीजो इलेक्ट्रॉन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर देखते हैं 51, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किसके जरिए बेहतर ढंग से किया जा सकता है, तो ये बायोगैस। उबेर कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। और किसी देश में मुद्रा स्फीति होने से निम्नलिखित में से अधिक लाभ होगा, तो ये होगा देनदार को। निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल से भिन्न है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित किस श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ दिया जाता है साहित्य के लिए, जो कि इनमें से ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये काठमांडू में है। अंत्य उदय योजना किससे संबंधित है, ये अत्यंत गरीब की मदद के लिए है। खच्चर का किसका संस्करण संकर है, ये गधा और घोड़ी। तो चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है, तो ये मिलता है सतलज से। निम्न में से कौन सा मेल जो है सही नहीं है, तो बिहू नागालैंड, ये सही नहीं है। बिहू कहाँ का डांस है, ये है असम का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। किसी स्थान का स्थानिक समय ग्रीनविच समय के प्रति रेखांश के हिसाब से कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट। ओलिगोपोली का मूल लक्षण है कुछ एक विक्रेता और अधिक क्रेता। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है जनेवा में। खेलकूद जगत में थर्ड आई किससे संबंधित है, क्रिकेट से। आई ने अकबरी के रचयिता अबुल फजल। और नस्डाक में लिस्ट की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी थी इन्फोसिस। उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित रहे हैं, तो ये सरोज से रहे हैं। चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन काम करता है, तो ये किसी के अधीन काम नहीं करता, एक ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं रीजनिंग के और मैथ के हैं, इन्हें आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। आप इसको रीड कर लीजिएगा एक बार, मैं आपको इसको कर देता हूँ। और ये इनके आंसर, ठीक है। ऐसा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप रेलवे ALP का रिव्यू के लिए क्वेश्चंस चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही पेपर स्टार्ट होते हैं तो आप तक क्वेश्चंस पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।